रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे अजीज नाजरीन व सामईन, एक मर्तबा सहाबा कराम की जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी में बैठी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकदम फरमाया अभी मस्जिद में एक जन्नती दाखिल होने वाला है, तो सहाबा कराम एकदम दरवाजे की तरफ मुतवज्जे हुए, देखा कि एक सहाबी अंदर दाखिल हुए हैं और उनके जिस्म से वुजू का पानी गिर रहा है। मस्जिद में आए, अपनी नमाज पढ़ने लगे, तो यही वाकया अगले दिन भी हुआ, तीसरे दिन बायनी यूं ही हुआ। उन सहाबा की जमात में हजरत अब्दुल्ला बिन अमर भी बैठे हुए थे, तो उन्हें ख्याल गुजरा मैं जाके देखूं कि इन सहाबी के अंदर ऐसी कौन सी खसूसियत है कि तीन दफा अल्लाह के नबी ने उनके बारे में यह फरमाया कि मस्जिद में एक जन्नती दाखिल होने वाला है। तो आप उनके पास गए और आपने अर्ज की, चाचा जान, उम्र में छोटे थे, चाचा जान मेरा घर पे कुछ थोड़ा सा मामला है, क्या यह हो सकता है कि मैं आपके घर कुछ दिन मेहमान रह जाऊं? तो उन्होंने कहा हाँ जरूर आ जाओ। उनको अपने साथ ले गए तो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर फरमाते हैं कि मैं जब रात का वक्त हुआ, अब मैं सारी रात जाग रहा और छुप के देख रहा कि इन सहाबी का ऐसा कौन सा अमल है। फरमाते हैं उन्होंने वही रात को थोड़ी सी अपनी जो तहज्जुद की नमाज थी वो पढ़ी, सो गए, फजर के वक्त उठे, उठ के मस्जिद चले गए, कोई ऐसा खास अमल नहीं किया। कहा मैं सारा दिन उनको देखता रहा, अपने कारोबार किया, जो भी किया अल्लाह के नबी के पास बैठे जो बाकी कर रहे थे वही किया। कहा रात को फिर ऐसा ही वाकया हुआ, कोई खास बात नहीं हुई, वही अपनी थोड़ी सी तहज्जुद की नमाज पढ़ी। कहा दूसरा दिन भी वैसे ही गुजर गया। कहा तीसरा दिन भी ऐसे ही गुजर गया। कहते अब मुझसे सब्र नहीं हुआ, तो मैंने जाके कहा हजरत आपको पता है आप तीन दफा मस्जिद नबी में दाखिल हुए और तीनों दफा आपके दाखिल होने से पहले अल्लाह के नबी ने आपके बारे में यह फरमाया कि मस्जिद में एक जन्नती दाखिल होने वाला है। मेरा अपने घर वालों के साथ कोई ऐसा झगड़ा नहीं, मैं रात को तहज्जुद की नमाज भी बहुत पढ़ता हूँ, कुरान भी बहुत पढ़ता हूँ, दिन में रोजे भी बहुत रखता हूँ, आपका ऐसा कौन सा अमल है? और सच्ची बात है मैंने आपका कोई ऐसा अमल भी नहीं देखा। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे पास तो ऐसा कोई अमल नहीं है। कहा नहीं अल्लाह के नबी ने कुछ ये बात फरमाई है, ज़रूर कोई ऐसी बात है। फरमाने लगे हाँ वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब मैं रात को सोने लगता हूँ तो मैं दो काम करके सोता हूँ। एक तो अपने दिल को हर मुसलमान की खफगी से पाक करके हर मुसलमान को माफ़ करके सोता हूँ। कहा एक तो ये बात है, दूसरी बात यह है कि मैं जब अपने किसी मुसलमान भाई के पास उसकी कोई खुशी देखता हूं तो मैं अंदर से दिल से खुद खुश होता हूं और मुझे और खुशी में उसको यह दुआ देता हूं अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे इस मुसलमान भाई को यह खुशी दी, ये नेमत दी और ये आफियत दी। तो अब्दुल्ला बिन अमर फरमाते हैं मैंने उसी वक्त कहा यही वो बात है जिसकी वजह से कि अल्लाह के नबी ने आपके बारे में यह फरमाया, ये बात आपके पास है और हमारे पास नहीं। आइए इस बात के साथ हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारे आठ हिल्मी सफ़र हमारे साथ मौजूद हैं, इनके नाम ये हैं: सुमेरा सहर साहिबा, मोहम्मद फैसल फैज साहब, कमल मुस्लिमीन साहिबा, मोहम्मद कैसर उज़्ज़मान साहब, और इस तरफ हैं मोहम्मद जान साहब, इनके साथ हैं सैयद इजलाल सिद्दीकी साहब, बहन बैठी हैं निमरा शाहिद साहिबा, और इनके साथ हैं भाई वलीउल्लाह सिद्दीकी साहब। सवाल है खुलफाए राशिदीन की अव्वल ता आखिर सही तरतीब बताइए। ए हज़रत उमर, बी हज़रत अबू बकर, सी हज़रत अली, डी हज़रत उस्मान गनी। और आपका वक्त शुरू होता है अब। सही तरतीब यूं है: बी हज़रत अबू बकर सिद्दीक, ए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला, डी हज़रत उस्मान गनी, सी हज़रत अली करमल्ला वजहू। हमारे जो इल्मी हम सफ़र हैं इनमें से चार ने सही जवाब दिया है
और इन चारों में सबसे पहले जो सबसे कम वक्त में जवाब दिया है वो हमारी बहन निमरा ने दिया है। निमरा साहब आपको मुबारक हो, आइए तशरीफ लाइए। निमरा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। शुरू करूं? देखो निमरा, हमारे सवाल होंगे, टोटल सवाल हैं 15, इसमें से अगर आपने 14 के जवाब दे दिए तो 28 लाख रुपया आपका हुआ। ये जो हमारे सवालात होंगे ना, ये मंजिल ब मंजिल जाएंगे। पहली मंजिल आ जाएगी दो सवालों के बाद और 10,000 रुपये आपके हो गए। दूसरी मंजिल आएगी उसके बाद अगले 5 सवालों के बाद, यानी जब 7 सवाल हो जाएंगे तो आप दूसरी मंजिल पे पहुंच जाएंगी, वहां 50,000 रुपये मिलेंगे और उमरे के 2 टिकट मिलेंगे। उसके बाद फिर अगला सफर शुरू होगा, ठीक है, वो हम आपसे पूछते रहेंगे। इस दौरान आपके पास 4 लाइफ लाइन्स हैं, जिसमें से 3 लाइफ लाइन्स जो हैं वो हम आपके साथ चलेंगी 7वें सवाल तक, ठीक है। 3 लाइफ लाइन्स जिसमें आप अपने रफीक को कॉल कर सकती हैं, आप हम किसी राहबर को कॉल कर सकती हैं, और हमारी ऑडियंस जो मजलिस शूरा है इनके साथ आप मशवरा ले सकती हैं। 7वें सवाल के बाद आपके पास एक और आ जाएगी, उसको कहते हैं दोहरी सहूलत, वो मैं आपको उस वक्त समझाऊंगा। ये बता दूं, सवाल पूछने वाले और हमारा जियो टेलीविजन ये चाहता है कि आप जीतें। पहला सवाल आपकी तरफ आने लगा है, 30 सेकंड्स हैं आपके पास जवाब देने के लिए। पहला सवाल जो आपकी तरफ आ रहा है वो ये है, वो कौन सा फल है जिससे रोजा अफ्तार करना सुन्नत है? ए आम, बी खजूर, सी खुबानी, डी केले। खजूर। सेव कर दूं? जी। खजूर को करें जी महफूज कर लें, खजूर। देखें आपका सवाल सही है क्या गलत, चेक करें, दिखाएं जी, चेक करके बताएं जी। माशाल्लाह मुबारक हो, जवाब बिल्कुल सही, माशाल्लाह ठीक है। 5,000 रुपए आपके हो गए। आगे चलें दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल आपके लिए ये है, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा हजरत अस्मा और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान क्या रिश्ता था? ए रिश्ते की बहन थी, बी सगी बहनें थीं, सी मुमानी भांजी थी, डी चची और भतीजी थी। आपका वक्त शुरू हो चुका है। ए रिश्ते की बहनें थीं, बी सगी बहनें थीं, सी मुमानी भांजी थी, डी चची और भतीजी थी। 3 लाइफ लाइन्स आपके पास मौजूद हैं। मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहूंगी। कौन सी? कॉल एन आलिम। कॉल एन आलिम, रोक दें जी, वक्त रोक दें, रोक दें जी, हमारे मुफ्ती साहब से जी। ठीक है जी, मुफ्ती जुबैर साहब हजरत, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हा की जो वालदा माजदा है हजरत अस्मा जी, ये दर हकीकत हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से इंतहाई करीबी रिश्तेदारी रखती थी। ठीक, तो बज़ाहिर अब तो कोई बात ढकी छुपी नहीं रहनी चाहिए जी। टाइम शुरू हो चुका है, तो बहनें बी को कर दूं मार्क? बी मार्क करें जी जल्दी से। बी, इस सवाल का जवाब वो तो मिल ही गया है, लेकिन ये देखते हैं कि बहन के हक में हाँ है कि ना ब्रेक के बाद। जी खवातीन हज़रात खुशामदेद, हमारी बहन के लिए सवाल था ब्रेक में जाने से पहले, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा हज़रत अस्मा और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के दरमियान क्या रिश्ता था? आइए देखते हैं कि जवाब सही है कि गलत। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह जवाब सही निकला। अब आप पहुँच चुकी हैं पहली मंजिल पर। अच्छा, ऐसे मुझे ख्याल आता है कि तीनों बहन भाई हजरत अस्मा भी,
हज़रत आयशा भी और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, तीनों जो थे ये तीनों के तीनों अपने अंदर ए इंस्टीट्यूशंस थे। आइए ज़रा मुफ्ती ज़ुबैर साहब से भी कुछ थोड़ी सी इनके बारे में। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। जी हज़रत। जी भाई जुनैद जमशेद साहब, आपने जो तज़किरा कर दिया उससे दिल के तार हिल जाते हैं। ये ऐसे सुलझे हुए लोग थे और इस कदर इनका सब्र था कि बहुत कम खानदान इनकी हमसरी कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला को शहीद किया गया था जी जी। और आपको बताया कि हज्जाज का जमाना था जी जी। तो ये हज्जाज के मुकाबले में थे जी जी। हज्जाज जालिम ने ये काम किया था कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला की शहादत के बाद इनकी मैयत को मक्का मुकर्रमा के दो रास्तों के दरमियान में लटका दिया था। और हजरत अस्मा जो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की वालदा है, एक रिवायत के मुताबिक उस वक्त उनकी उम्र 80 साल थी जी। और 80 साल की ये बूढ़ी खातून जिनकी बिनाई कमजोर हो चुकी और जिनके आसाब जवाब दे चुके, वो लाठी का सहारा लेकर मक्का मुकर्रमा की उस गली के अंदर एक मरतबा पहुंची हैं और देखा कि मेरा बेटा वो लटका हुआ है और मेरे बेटे की लाश इस तरीके से चौक पर लटकी हुई है और दो दिन गुजर चुके हैं। तो हजरत अस्मा ने अपने बेटे की तरफ मुखातब करके सिर्फ एक जुमला कहा, वो जुमला इंतहा दर्जे का तारीखी है। फरमाने लगी, क्या ये शहसवार अभी तक अपनी सवारी से उतरा नहीं है? अल्लाहु अकबर। बस ये फरमाया और अपने घर चली गई। ईमान ताजा हो गया सुनकर जी। आपको मुबारक हो, आगे चलेंगी। जो तीसरा सवाल आपकी तरफ मुतवज्जे है मेरी बहन, वो ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उनके नबी आखिर जमा होने की पेशगोई किस मजहब के आलिम ने की थी? ए यहूदी, बी बुद्ध, सी ईसाई, डी सौबी। वक्त आपका शुरू हो चुका है। डी सौबी। कर दूं लॉक? करें जी लॉक डी को। दिखाएं जी, जवाब तो सही नहीं है ये। सही जवाब है इसका ईसाई आलम। कोई बात नहीं, फिर आइएगा, ये प्रोग्राम तो चलता रहेगा। जो आपका हक हुआ वो मैं आपको दूंगा, ठीक है? आओ नंबर। बहुत मुबारक हो और फिर आना है जरूर, ठीक है? जरूर आना, आओ बैठ। अब हमारे बाकी जो इल्मी हम सफर हैं इनके साथ वही बर्क रफ्तार हमारा मरहला, हमारा सवाल आएगा, इसकी तरतीब मुख्तलिफ होगी, इन्होंने इसको तरतीब में लेकर आना है। जो सबसे कम वक्त में लेकर आएगा हमारे निश्चित खास पे बैठेगा। हमारा सवाल है, कुरान करीम की मौजूदा तरतीब के एतबार से इब्तदाई चार सूरतों की तरतीब बताइए। ए सूरतुन निसा, बी सूरह आले इमरान, सी सूरह बकरा, डी सूरह फातिहा। सही तरतीब ये है, डी सूरह फातिहा, सी सूरह बकरा, बी सूरह आले इमरान, ए सूरह निसा। हमारे चार इल्मी हम सफरों ने सही जवाब दिया। इसमें सबसे कम वक्त में भाई कैसर उज़्ज़मा साहब ने जवाब दिया। और भाई कैसर साहब आप तशरीफ लाइए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसर भाई जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तैयार, नर्वस तो नहीं? ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुई ना बात, पहला सवाल आने लगा है आपकी तरफ, ठीक है? मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता रहूंगा, आपको तो फॉर्मेट तो आपको पता ही है, ठीक है? पता लग गया, पता चल गया आपको। अभी आगे चलते हैं और जी कड़ा करके, ठीक है? कैसर भाई पहला सवाल आपके लिए ये है, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला निकाह किन उम्मुल मोमिनीन से किया? ए
حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ. اے اے پکی بات ہے نا؟ جی بالکل. مطمئن؟ مطمئن. مطمئن جی. کریں جی محفوظ اس کو. حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بھائی کیسے صاحب فرما رہے ہیں، فوراً دکھائیں جی سوال جواب صحیح ہے کہ غلط. مبارک مبارک مبارک. خیر مبارک. ماشاء اللہ. تیار ہو جائیں. دوسرا سوال کیسر بھائی آپ کے لیے یہ ہے، ان چار سورتوں میں سے کس سورت میں واقع معراج کا ذکر ہے؟ اے سورہ عصر، بی سورہ یاسین، سی سورہ فلق، ڈی سورۃ الاسراء. وقت شروع ہو چکا ہے. آپ کے پاس تین لائف لائنز ہیں، وہ آپ جانتے ہیں. رفیق کو بھی کر سکتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب سے بھی کر سکتے ہیں. مفتی صاحب، مفتی صاحب سے. روکیں وقت کو جی، وقت روک دیں جی. گزارش یہ ہے کہ سورۃ الاسراء کی جو ابتدا ہوتی ہے، سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. لو ساری بات ہو گئی. ڈی کر دیں جی اس کو، ڈی کو مارک کریں جی. ویسے تو جواب ہمارا جو ہے ایک کھلی کتاب کی طرح روشن ہے، لیکن ہم جواب اس کا پھر بھی بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے. ایک بریک لیتے ہیں. رب زدنی علما الف لام، رب زدنی علما الف لام. جی بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. بھائی قیصر صاحب ہمارے ساتھ اس سفر پر روا دواں. دوسرے سوال کا جواب مفتی صاحب نے فرمایا سورۃ الاسراء، اور یہی ہمارے بھائی نے بھی محفوظ کروایا ہے. دیکھتے ہیں جواب صحیح ہے کہ غلط. دکھائیں جی. مبارک ہو آپ کو، 10,000 روپے آپ کے ہوئے. کیا حکم ہے ہمارے؟ جزاک اللہ. آگے چلیں گے. آگے چلتے ہیں. آپ کی طرف تیسرا سوال آنے والا ہے اور 45 سیکنڈ ہے اس میں. سوال یہ ہے، قرآن مجید کے آخری پارے میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ اے 17، بی 27، سی 37، ڈی 47. اے 17 سورتیں ہیں آخری پارے میں. عما یتسألون. سوری. کوئی نہیں کوئی نہیں، ایزی ہو جائے ابھی ہر ٹائم. آخری پارے میں مفتی صاحب سے. اب تو مفتی صاحب سے نہیں پوچھ سکتے، یہ تو پچھلا والا پوچھ لیا. یہ تھا سوال ویسے مفتی صاحب سے پوچھنے والا. ایگزیکٹلی. اس کا مطلب مجھے بھی آئیڈیا ہی ہے بس. صرف رفیق سے نہ پوچھو، کسی سے اور مارک کر دوں؟ ڈی ڈی کو مارک کر دیں. جلدی بتائیں، ٹائم ہو جا رہا ہے. ڈی کو مارک کر دیں. ڈی مارک کر دیں جی. میں تو چاہتا ہوں کیسر بھائی آپ جیتیں. چیک کروں؟ کر لیجیے. اب وقت ختم ہو چکا. وقت ختم ہو، لاک ہو چکا ہے. وہ تو لاک ہو گیا. گنجائش نشتا. دکھائیں جی. قرآن میں آخری پارے میں 37. چلو کوئی نہیں، گرتے ہیں شاید سواری میدان جنگ میں. وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. جو آپ کا حق ہوا وہ میں آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے؟ کیسر بھائی آپ آئے اور دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ. آئیں گے. بہت شکریہ آنے کا. کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ آخری پارے میں کتنی صورتیں. مفتی صاحب موجود ہیں. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں حضرت آپ کی کیا رائے ہے؟ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی صورتوں کا پتہ ہونا چاہیے، جی جی، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر مسلمان کو کم از کم یہ سپارہ حفظ ہونا چاہیے. عجیب. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 40 سال تک، 50 سال تک، 70 سال تک، 90 سال تک آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے تو آپ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں. ہم کیا کام کرتے ہیں؟ 2-3-4 صورتیں بس ہمیں یاد ہیں. بالکل. ہم متعین طور پر انہی کو ہی بار بار پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری شامت اعمال ہے.
और बिल्कुल नामुनासिब तर्ज अमल है। पूरे सिपारे की तमाम सूरतें हमें हिफ्ज करने का आजम करना चाहिए। बहुत अच्छे। और एक गुजारिश अगर आप फरमाएं और भी कहता जाऊं, आपने जो कंटेस्टेंट से सवाल किया था कि सबसे पहला निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन से किया था, तो मैं उस सिलसिले में अर्ज कर दूं कि हजरत खदीजा से कबल अज नबुव्वत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से बाद अज नबुव्वत निकाह फरमाया था। खदीजा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की अहलिया है और आयशा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अहलिया है। यानी मतलब ये है कि हजरत खदीजा ने उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नबुव्वत का ऐलान भी नहीं फरमाया था, उस वक्त से रफाकत मिली है। बाकी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा अनफा है, अफजल खदीजा है। अनफा यानी सबसे ज्यादा उम्मत को जिससे नफा पहुंचा है वो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा है कि हजारों की तादाद में हजरत आयशा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें नकल की हैं। वाह मुफ्ती साहब वाह, ईमान ताज़ा कर दिया आपने, ईमान ताज़ा कर दिया। अल्लाह बहुत जज़ाए खैर दे। इसी खूबसूरत बात पर अपना आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।